भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। क्या बीजेपी वाकई सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर सीरियस है? अगर है तो इन 5 सालों में क्यों नहीं पास करा सकी, क्यों बीच रास्ते में छोड़ दिया? 15 जुलाई 2016 को यह बिल लोकसभा में पेश हुआ, 8 जनवरी 2019 को पास हुआ, मगर राज्यसभा में मोदी सरकार ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि तब असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भयंकर तूफान मच गया था। इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी या ईसाई को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात थी। नागरिकता को धार्मिक आधार पर बांटा गया था, मगर मोदी सरकार के कार्यकाल में पास नहीं हो सका, क्योंकि पूर्वोत्तर में आंदोलन होने लगे। असम सरकार में सहयोगी रही असम गण परिषद बाहर हो गई। अब जब बीजेपी ने अपना सुर बदला, इस बिल को राज्यसभा में छोड़ दिया, तो वापस असम गण परिषद बीजेपी के साथ इस चुनाव में है। नेशनल रजिस्टर का काम भी तेजी से चल रहा था। राजस्थान के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में अमित शाह घुसपैठियों को भगाने को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, मगर अचानक इसकी गति धीमी कर दी गई। क्यों? सुप्रीम कोर्ट को काम पूरा करने के लिए फटकार लगानी पड़ रही है, ये सवाल है, क्योंकि सामने घुसपैठिए नहीं है, अब वोट है। 5 फरवरी 2019 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नेशनल रजिस्टर पर काम करने वाले जो काम कर रहे हैं सुरक्षा बलों को अब चुनाव के काम में हटाने की इजाजत दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय चाहता ही नहीं है कि नेशनल रजिस्टर का काम पूरा हो और वो इस पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देना चाहता है। इंटरनेट सर्च कीजिए तो पता चलेगा कि इसकी वजह से चुनावी गणित को भारी नुकसान हो रहा था और नेशनल रजिस्टर का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसी के पहल से हो रहा है, लेकिन चुनावी नुकसान के कारण अचानक इसे लेकर होने वाली ललकारी जो भाषण होता है वो रोक दिया गया कि घुसपैठिए को भगा देंगे। राजस्थान से बोल रहे थे, अब असम में जाकर उधर कम हो गया है।